बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है, इंडक्शन प्रोग्राम में जो दो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक है फोर्टनाइटली असेसमेंट और दूसरा असाइनमेंट्स। तो अभी ये ट्यूटोरियल जो है आपको फोर्टनाइटली असेसमेंट के बारे में रहनुमाई फराहम करेगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और आईटी फोकल पर्सन का एक रोल ये भी है कि उन्होंने अपने सेंटर पे हर 15 दिन बाद जो है टीचर्स का फोर्टनाइटली असेसमेंट कंडक्ट कराना है। अब उसको कंडक्ट कराने का जो तरीक़ाकार है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक ऑनलाइन पैनल में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन पैनल को एक्सेस करने के लिए जो है ये यूआरएल है induction.kpese.gov.pk। आप किसी भी ब्राउज़र में जाके, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या आप ओपरा यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने जाके ये यूआरएल टाइप करना है induction.kpese.gov.pk। जैसे ही आप इस पे एंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको लॉगिन पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल मैं एक डमी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ। आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें हमने अपना लेवल सेलेक्ट करना है। अगर हम सेकेंडरी लेवल के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं तो हम सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज प्राइमरी पे क्लिक करेंगे। अभी मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे जैसे ही हम क्लिक करें, हमारे पास ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। ये वो पेज है जहाँ से सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। इस वक्त हम फोर्टनाइटली असेसमेंट पे बात कर रहे हैं, तो जो INDP ऊपर लिखा हुआ है टॉप लेफ्ट पे, उस पे उसके सामने एक बार से बने हुए, इन बार्स पे क्लिक करना है। अभी ये ग्रीन हाईलाइट हो रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करें, लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास मेन्यू अपीयर हो जाता है। इसमें हमने असेसमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। असेसमेंट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करें, हमारे पास ये पेज आ जाएगा। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, जो यूज़र जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखेगा उसको उसी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो डेटा खुलेगा और उसी सेंटर का डेटा खुलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, इसके सामने बैच, इसके नीचे आप देख रहे हैं बैच लिखा हुआ है। बैच का मतलब ये है कि कौन सा फोर्टनाइटली असेसमेंट है। अगर पहला है तो पहले वाले को सेलेक्ट करें, अगर दूसरा है दूसरे को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे तारीख भी दी गई होगी, मीन्स आप जिस दिन को सेशन करा रहे हैं तो उस दिन का तारीख यहाँ पे मेंशन हुआ होगा, तो आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नीचे जो फोर्टनाइटली असेसमेंट लिखा हुआ है, इसमें दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक शो है और एक हाइड है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हाइड होगा, आपने इसको शो कराना है। तो जैसे आप शो करें, उसके बाद आप सेव पे क्लिक करें। तो जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपने सेंटर पे ये शो कराएगा तो तभी जाके टीचर जो है वो देख सकेंगे। तो ये तो रहा सब्जेक्ट एक्सपर्ट का पार्ट। अब मैं जब एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैंने ये शो कर दिया तो टीचर्स को कैसे नजर आएगा? तो अभी मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पैनल से लॉग आउट कर रहा हूँ और एज ए टीचर मैं इसमें लॉग इन कर रहा हूँ। तो एक डमी यूजर नेम पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ। मैं अपना लेवल सेलेक्ट कर रहा हूँ प्राइमरी और साइन इन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ, मेरे पास ये वाला पेज खुल जाता है, जो टीचर्स का जो पेज है वो खुल जाता है। इसमें देखें, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, एक फोर्टनाइटली असेसमेंट का है और दूसरा चेंज पासवर्ड का है। अब टीचर जो है अपने टेस्ट को एक्सेस करने के लिए, अपने असेसमेंट को एक्सेस करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे फोर्टनाइटली असेसमेंट पे। तो जैसे ही वो क्लिक करेंगे, उनके पास उनके पेपर खुल जाएगा। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस उन्होंने प्रॉपर आंसर सेलेक्ट करने हैं, जो करेक्ट आंसर्स हैं, और वो सेलेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या करना है, सबमिट बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही वो सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो उनके पास उनका रिजल्ट आ जाएगा। सबमिट बटन टॉप पर भी है और बॉटम में भी है।
तो जब ये सबमिट करेंगे तो उनका फोर्टनाइटली असेसमेंट सबमिट हो जाएगा। याद रखें, जैसे ही वो फोर्टनाइटली असेसमेंट सबमिट करेंगे उनकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। तो ये रहा फोर्टनाइटली असेसमेंट का एक पूरा प्रोसेस जिसको आपने अपने सेंटर पे फॉलो करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको रहनुमाई मिली होगी। आप मज़ीद मालूमात के लिए पाइट से राबता कर सकते हैं। शुक्रिया।